पाचपावली थाने के तहत नई बस्ती टेका में भांडेवाड़ी बूचड़ खाने के लिए आवंटित हुई जमीन को लेकर हो रही बैठक में दो पक्षों की बहस के बाद तीन आरोपियों ने दूसरे पक्ष के एक व्यवसायी पर पिस्तौल तानकर मारने की धमकी दी। आरोपियों के नाम योगी अरविंद नगर निवासी मोहम्मद इरफान कुरैशी उम्र 34 वर्ष, मोहम्मद अदनान कुरैशी उम्र 20 वर्ष और वांजरा निवासी मोहम्मद अल्ताफ कुरैशी को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि ये घटना गुरुवार 25 मई की शाम 6:30 बजे नई बस्ती की मक्का मस्जिद के सामने हुई। फरियादी नई बस्ती निवासी अशफाक अहमद हारून कुरैशी उम्र 40 वर्ष है। अशफाक कुरैशी का मवेशी खरीद बिक्री का व्यवसाय है। घटना के समय अशफाक और एक मित्र मस्जिद के सामने बैठे थे। इस दौरान आरोपी मोहम्मद इरफान, मोहम्मद अदनान और मोहम्मद अल्ताफ घटना स्थल पर पहुंचे। इरफान को आपत्तिजनक शब्द देकर अशफाक और उसके मित्र को कहा कि पूरा काम हम कर रहे हैं। इसके बाद इरफान ने आओ दिखाना ताव और अशफाक पर पिस्तौल और अन्य आरोपियों ने डंडे निकाल कर जान से मारने की धमकी दी। इस मामले में पाचपावली पुलिस ने मामला दर्ज कर पिस्तौल जीवित कारतूस जब्त कर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पोलीस स्टेशन येथे अपराध क्रमांक 6/8/23 कलम 294, 506, 143, 148, 149 भादवी सहकलम 325 अन्वये गुन्हा दाखल आहे। दिनांक 25/5/23 रोजी मक्का मस्जिदच्या समोर जे वसीम हॉटेल आहे येथे भांडेवाडीमध्ये कत्तलखान्यासाठी परवानगी प्राप्त झाली आहे त्या संबंधाने मीटिंग आयोजित होती। सदर मीटिंगमध्ये दोन तिथे फिर्यादी व याच्यातील जे आरोपी आहे यांच्यामध्ये बाचाबाची होऊन तिथे झगडा झालेला होता। त्यामध्ये यातील आरोपी क्रमांक 4 इरफान कुरेशी यांनी पिस्टल हवेत दाखवली होती। त्यावरून सदर याच्यामध्ये आरोपीला दिनांक 26 रोजी अटक करण्यात आली होती व त्याला दिनांक सोमवारपर्यंत त्यांचा PCR प्राप्त आहे। PCR दरम्यान आरोपी इरफान कुरेशी यांच्याकडून एक पिस्टल गुन्ह्यामध्ये जप्त करण्यात आलेली आहे, त्याच्यासोबत एक कारतूस पण गुन्ह्यात जप्त करण्यात आलेला आहे। NBC न्यूज के लिए अखिलेश भारद्वाज के साथ माहिन पठान की रिपोर्ट।